दोस्तों आप सभी अभिनेत्री ईशा मालविया को तो जानते ही होंगे, जो कि उदारिया सीरियल में जैस्मीन का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आज ये उदारिया सीरियल से इतनी मशहूर हो गई हैं कि हर कोई इन्हें उदारिया सीरियल में जैस्मीन के किरदार से ही जानता है। तो वहीं दोस्तों मैं आपको बता दें कि उदारिया सीरियल में इनका किरदार नेगेटिव है, जिसके चलते ये नेगेटिव रोल में भी दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री बन गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि इन्होंने इस सीरियल के अलावा कोई सीरियल नहीं किया है, ये इनका पहला सीरियल रहा है और इस सीरियल से इन्होंने इतनी सराहना हासिल की कि आज ये बहुत फेमस हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली इस सीरियल से कि ये इस सीरियल के डेब्यू करने के बाद काफी फेमस हो गई। तो वहीं हम आपको बता दें कि ये अपनी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिनेता का हाथ बताती है और कहती है कि ये उन्हें अपना भगवान मानती है। जी हाँ, आखिरकार कौन है वो शख्स जिन्हें ये अपना भगवान मानती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ईशा मालविया जो कि काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं, जो उदारिया सीरियल में जैस्मिन संधू का किरदार निभाती हैं, और वही हम आपको बता दें कि ये इस सीरियल में प्रियंका चया चौधरी के साथ काम करके काफी फेमस हो गई है। तो वहीं दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि अभिनेत्री ईशा मालविया अपनी सारी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को देती हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि इनके उदारिया सीरियल के प्रोड्यूसर रवि दुबे और सगुन मेहता हैं। जी हाँ, जो कि उदारिया सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे और ये उनका ही द्वारा दिया गया सीरियल है। तो वहीं हम आपको बता दें कि ईशा मालविया इन दोनों को अपना भगवान मानती है और उनका कहना है कि वो रवि दुबे और सगुन मेहता को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो उन्हें बहुत पसंद भी करती है और साथ ही वो उन्हें अपना भगवान मानती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रवि दुबे और सगुन मेहता की वजह से ही अभिनेत्री ईशा मालविया इतनी पॉपुलर हो पाई हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।